अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। किस कदर हिंदुत्व तंजीमों को खुली छूट दी गई है, इसका मुजारा फिर एक बार देखने को मिला। वैसे तो अब हिंदुत्व तंजीमों से वाबिस्ता होना ही एक तरह से कानून को हाथ में लेने की इजाजत मिलने के बराबर है। मध्य प्रदेश, यूपी, गुजरात के बाद अब कर्नाटक में भी इस तरह की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। वैसे तो ऐसे खबरों का आदि तमाम माशरा होता जा रहा है। कानून न्याय व्यवस्था नाम की कोई चीज है भी या नहीं, ऐसा सवाल भी अवाम में पूछा जा रही। पहले उस वारदात पर बात करते हैं जो यूपी में पेश आई। वैसे तो योगी आदित्यनाथ के रियासत में एक समाज को लेकर अवाम का जहन इस तरह बनना कुछ हैरत अंगेज बात तो है नहीं। खैर, यूपी बांदा में मस्जिद के ऊपरी हिस्से का काम जारी था। मस्जिद के मुतवली जनाब जहीरुद्दीन का कहना है कि मस्जिद की तामीर इजाजत के साथ ही शुरू की गई थी, यानी कि उसकी तामीरें नौ थी, उसको रिनोवेशन किया जा रहा था। लेकिन वीएचपी और बजरंग दल के फिरका परस्तों ने अचानक मस्जिद पर हमला किया और तोड़फोड़ करनी शुरू की। मजीद ताजुब की बात यह है कि पुलिस इंतजामिया के मौजूदगी में हिंदुत्व तंजीमों की अराजकता जारी रही। हमेशा की तरह अब तक किसी तरह की गिरफ्तारी नहीं हुई है, ये भी अहम है। पुलिस कमिश्नर बांदा का कहना है कि तोड़फोड़ करने वालों की शनाख्त की जा रही है, पहचान के बाद कार्रवाई की जाएगी। बढ़ती खुलेआम गुंडागर्दी का मसला पूरे मुल्क में सर फहरिस्त है, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि आखिर इसे रोका कैसे जाए। जब रक्षक ही अपने फराइज से मुंह मोड़ने लगे तो फिर इंसाफ की उम्मीद किस हद तक की जा सकती है और कहां की जा सकती है। बार बार ये सवाल पूछा तो जाता है कि भीड़ को आवारा बनाकर सड़कों पर फैसले करने के लिए क्यों भेजा जा रहा है। मस्जिद कानूनी तौर पर तामीर हो रही थी या नहीं, इसका फैसला क्या बजरंग दल और वीएचपी के कारकुन करेंगे? और हर जगह पर पहुंचकर इन्हीं लोगों को इंसाफ करना है तो फिर अदालतों और पुलिस का काम क्या रहेगा? 2024 नजदीक है, किसी हाल में भाजपा को जीत हासिल करना है। आरएसएस अपने 100 साल भी पूरे करने जा रही है। हिंदू राष्ट्र का एजेंडा पहले से तैयार है और अकलियतों को निशाना बनाए बगैर तो यह मुमकिन नहीं है, ये भी उतना ही सच है। मुस्लिम समाज दिशाहीन है, इनके सामने किसी तरह की कयादत नहीं है। मुस्लिम समाज डर खौफ के साए में तो है ही, बजाय फिरका परस्तों का मुकाबला करने के माशरे में जमीर फरोख्त करने वालों की ही तादाद बढ़ती जा रही है। अब दौर मुनाफिकों का है, समाज में मुनाफिक जहनियत के लोगों का रौब देखा जा रहा है। मुसलमानों की मखबिरी कर पुलिस का करीबी बनने वाला अब कौम का मुहाफिज बनने का ढोंग कर रहा है। एक तरफ मुस्लिम पार्टी के नाम पर धोखा तो मुसलमानों की हिमायती बनकर फरेब करते सियासी पार्टियां देखी जा रही है। दीनी रहनुमाओं के पास किसी तरह की मनसूबाबंदी नहीं है। रोजाना मुसलमानों को, ईसाइयों को, दलितों को निशाना बनाया जा रहा है। संविधान खतरे में नजर आ रहा है, क्योंकि इस मुल्क का संविधान ही है जो सभी को बराबर का हक देता है। हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व कहने वाले इख्तदार में बैठे हैं। मस्जिदों को निशाना बनाकर इन्हें गैर कानूनी साबित किया जा रहा है। बांदा यूपी में आज फिर इसी तरह का तमाशा देखने को मिला। अब रोज इस तरह की बढ़ती वारदातें मुल्क के मुस्तकबिल को किस दिशा में ले जा रहा है, इसे समझने की जरूरत है। किसी को भी ख्याल नजर नहीं आ रहा कि मुल्क किस दिशा में जा रहा है। सरकारी एजेंसियां हुकूमत के जेर मातहत कामों को अंजाम दे रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ईडी इनकम टैक्स के छापेमारी तेज हो चुकी है। यहाँ तक के मोदी के खिलाफ बनाई डॉक्यूमेंट्री के बदले बीबीसी पर भी आईटी तफ्तीश की जा रही है। इस तरह देश में अराजकता का बढ़ता मियार भले ही मुसलमानों को एहसास ना हो, लेकिन सबसे ज्यादा कीमत इसी समाज को चुकानी पड़ने वाली है। और महज ये सब कुछ अचानक नहीं हो रहा। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, आसाम और दीगर रियासतों में बड़े मुनज्जम अंदाज में इसे अंजाम दिया जा रहा है। सबसे अहम बात गौर करने की यह है कि पुलिस के सामने इस तरह की कार्रवाइयां अंजाम दी जा रही है, ताकि समाज के दिलों में बजाय पुलिस के इस भीड़ का डर बैठा रहे, ताकि आने वाले दिनों में इन्हें संविधान बदलने के साथ माशरे के जहनों में डर खौफ को बरकरार रखने में आसानी हो जाए। आप देख सकते हैं गुजरात फसाद से लेकर आज तक की तमाम कार्रवाई पर एक नजर सानी करेंगे तो अंदाजा आ जाएगा। बदलते हालात यकीनन सोचने पर मजबूर कर देते हैं। बेवजह किसी न किसी बहाने एक समाज को टारगेट कर हिंदू राष्ट्र के एजेंडे को बिला खौफ आगे बढ़ाया जा रहा है। हल्याण में ईदगाह के सामने बुलडोजर के जरिए भी यही पैगाम दिया गया। अब तो मुल्क की तारीख को ही बदलने की कोशिश की जा रही है। टीपू सुल्तान, महात्मा गांधी को बुलाकर गोडसे और सावरकर को महात्मा बनाया जा रहा है। आप अगर बेलगाम का ही ले लो, मस्जिद फातिमा को लेकर जो तनाजा खड़ा किया गया था, उस वक्त घरों में घुसकर मारने की धमकी देने वालों को और मस्जिद में मूर्तियां रखने की बात करने वालों पर अब तक कार्रवाई नहीं है। पहले जंगे आजादी के मुजाहिद और शान हिंद टीपू सुल्तान का नाम लेने वालों को मिटाने की बात आखिर क्या पैगाम देती है? यानी फिर देश में कुछ गुजरात के नहज पर होने वाला है, ऐसा खदशा दिलो जहन में आना भी लाजिम हो जाता है।
कानून व्यवस्था को बनाने के लिए पुलिस अफसरान को बुलाया जाता है और बजाय फसादियों को पकड़ने के खामोश तमाशगीर बने खड़े रहते हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या कानून धर्म मजहब को देखकर बदल जाता है क्या? ऐसा सवाल भी किया जा रहा है। लिहाजा जरूरत है मुल्क के संविधान के तहफ्फुज़ की, क्योंकि कोई धर्म यहाँ खतरे में नहीं है बल्कि मुल्क का संविधान ही खतरे में है। अवाम को भी सब चलता आए वाली ज़हनियत से बाहर आकर कोई भी धर्म मजहब की तंजीम हो, VHP हो या बजरंग दल या फिर कोई नवीन कुमार कटील हो, जो भी संविधान के दायरे को लांघता है या फलांघता है, इस पर अदालत के जरिए कार्रवाई करे, क्योंकि अभी भी मुल्क का संविधान जिंदा है और यही सच्चाई है। देखिए, वलखंडी नाका क्षेत्र में जो कि थाना कोतवाली नगर में लगता है, वहाँ पर एक मस्जिद थी जिसमें कि एक जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा था। वहाँ पर कुछ लोगों द्वारा इस पर आपत्ति दर्ज कराई गई। उनका कहना था कि यहाँ पर उस जीर्णोद्धार के नाम पर कुछ कार्य कराया जा रहा है। तो इस पर तत्काल वहाँ पर मौके पर सभी अधिकारीगण, पुलिस फोर्स वहाँ पर पहुँची और आवश्यक विधि कार्रवाई इसमें कराई जा रही है। और जो इसमें ये भी इस चीज़ की भी जांच कराई जा रही है कि जो जीर्णोद्धार हो रहा था, जो कथित कार्य हो रहा था, वो विधिन रूप था कि नहीं था। सर, वहाँ पर तोड़फोड़ वीडियो में तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं, ड्रम फेंकते नजर आ रहे हैं, उन वीडियोस को भी देखा जा रहा है और उसके आधार पर भी लोगों को चिन्हित करके आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। मस्जिद का सदर मुतवली हूँ और ये बहुत पुरानी मस्जिद है, 50-60 साल हो गए और इसका बहुत पुरानी मस्जिद है, कई ईंटों से बनी थी, पुरानी छत थी, तो इसको परमिशन लेके हमने निर्माण कार्य करवाया नीचे का, और उसमें ऊपर का काम चल रहा था, ऊपर की स्लैब डलवा रहे थे, तो कुछ अराजक तत्व तो आ करके हंगामा कर दिया। हम लोग मस्जिद बंद करके चले गए, वो लोग हंगामा करते रहे, तोड़ फोड़ करते रहे, इसके बाद हम चले गए हैं। और वो क्या करते रहे, रोड रोड जाम किया है। नुकसान तो खैर मस्जिद का कुछ नहीं हुआ है, बस यही बाहरी में जब मिक्सचर मशीन को और ड्रम वगैरह सब फेंकते रहे हैं, तो सटरिंग वटरिंग का सामान वान फेंकते रहे, कोई नुकसान नहीं हुआ। मस्जिद में माहौल खराब होता है, रोक करके हम परमिशन लेके ही काम करवाया है, बिना परमिशन के नहीं। जब प्रशासन के आदेश मिला है तभी हम लोगों ने काम शुरू करवाया, अगर प्रशासन रोक देता है तो हम रोक देते हैं। जगहों पर सड़क या स्मार्ट सिटी के तहत हो रहे काम आज भी न मुकम्मल है, लिहाजा DC नितेश पाटिल ने कहा कि जो धीमी रफ्तार से हो रहे काम आने वाले 2 दिनों में मुकम्मल न किए तो ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट में शरीक किया जाएगा। वाजा रहे कि DC दफ्तर में ही सड़क बनाने का काम पिछले कई महीनों से धीमी रफ्तार से हो रहा है, जिस पर आज सख्त अल्फाज DC ने कहे। टीपू सुल्तान की तरह सिद्धरमैया को भी खत्म किया जाएगा, ऐसा बयान भाजपा के अश्वत्थ नारायण ने दिया था, जिसके खिलाफ हुबली में सिद्धरमैया फैन क्लब की जानिब से मुकदमा दर्ज किया गया। गोकुल रोड पुलिस थाने में मामले को दर्ज किया गया। क्या इसी तरह मुसलमान टीपू सुल्तान के हिमायतों को खत्म करने की जुबान चलाने वाले नवीन कुमार कटील पर भी मुकदमे दायर किए जाएंगे, ऐसा सवाल भी अवाम में पूछा जा रहा है। साबिक वजीर और कांग्रेस कायद यूटी खादर ने भी इस बयान पर एतराज दर्ज करते हुए कहा कि पिछले 1 महीने से रियासत कर्नाटक में हेट स्पीच का दौर जारी है और भाजपा में इमरान को मीर सादिक की औलाद, ऐसा भी यूटी खादर ने कहा। आज आजाद नगर बेगम लतीफा हाई स्कूल में पुलिस अफसरान की जानिब से चुनाव के नजदीक बेदारी मुहिम का एहतमाम किया गया था, जिसमें आजाद नगर उज्ज्वल नगर की जमातों के जिम्मेदारान को मधु किया गया था।
इस वक्त डीसीपी एसीपी सीपीआई मालमारुति शरीक रहे। आज खड़े बाजार में सड़क पर एनक्रोचमेंट हटाने का काम ट्रैफिक मोकमा की जानिब से किया गया। क्या यह कार्रवाई पूरे शहर में की जाएगी या महज खड़े बाजार में ही होगी, ऐसा सवाल आवाम की जानिब से पूछा जा रहा था। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। रिलेशन कौन हमारा नहीं है, निकाल दे, एक साइड से जाके दे देने का तो।